दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है। इसी के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोधी पक्ष को एकजुट कर रहे हैं। केंद्र के इसी निर्णय का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान से रैली निकालने वाले है। इस रैली में पूरे महाराष्ट्र में आप कार्यकर्ते दिल्ली पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए। मैं एडवोकेट सी एस शर्मा, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी नागपुर। अभी हमारा जो दिल्ली जाने का जो उद्देश्य है कि हमारी जो राष्ट्रीय इकाई अरविंद जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम कर रही है, पूरे देश में काम कर रही है, और अरविंद जी ने एक पुकार लगाई है और उस पुकार के तहत रामलीला मैदान से जो केंद्र सरकार ने चुनी हुई दिल्ली सरकार का जो अधिकार है, उन अधिकारों में कटौती करने के लिए जो अध्यादेश लाया है, उस अध्यादेश के प्रोटेस्ट में हम रामलीला मैदान से महारैली निकाल रहे हैं। उस महारैली में हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, वे भी अपने नागपुर में जहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ प्रोटेस्ट करने वाले हैं उसी समय, क्योंकि ये जो रामलीला मैदान से जो रैली है वो रैली 11 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान में शुरू होगी, और महाराष्ट्र में भी हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो लोग उसी समय पे रैली करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। और मेरी इस चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से भी महाराष्ट्र की अपील है कि वे लोग भी जहाँ जहाँ पर हैं इस अध्यादेश का प्रोटेस्ट करने के लिए रैली में शामिल हुए। हम लोग यहाँ से लगभग 12 लोग आज जा रहे हैं, कल 24 लोग गए हैं, और बाकी के और कुछ महाराष्ट्र से अन्य जिलों से भी लोग वहाँ पर दिल्ली पहुँच रहे हैं।